यहाँ पर इस वीडियो में वर्लपूल एसी के साथ जो टॉप फीचर्स उसके उन्हें बात करने वाले हैं। अगर आप एक नया एसी खरीदने वाले हो और अगर आप ऑलरेडी वर्लपूल का जो एसी है यूज कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देखो। तो यहाँ पर बात कर लेते टॉप फीचर्स के बारे में वर्लपूल इसके साथ देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर अभी जितने भी मॉडल है सभी के साथ जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ जो एसी का जो कंप्रेसर है रूम टेम्परेचर के हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करता है। जैसे कि अगर रूम टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो जो कंप्रेसर है मैक्सिमम स्पीड में काम करेगा, अगर रूम टेम्परेचर कम है तो एसी का जो कंप्रेसर है यहाँ पर कम स्पीड में काम करता है। इसके वजह से आपको जो है काफी बढ़िया एनर्जी सेविंग देखने को मिलता है एंड काफी कम जो है नॉइज देखने को मिल जाएगा। तो कंप्रेसर का जो स्पीड है वो एडजस्ट हो सकता है रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो यहाँ पर वर्लपूल एसी के साथ जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है जिसके साथ जो है कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। नेक्स्ट कुछ कुछ मॉडल में जो है पर हेपा फिल्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हेपा फिल्टर के साथ जो डस्ट वगैरह होता है बाकी जो एयर पार्टिकल्स है यहाँ पर जो है यहाँ पर रिमूव हो जाता है, बेसिकली फिल्टर में जो है यहाँ पर अटक जाता है। इसके वजह से जो एयर क्वालिटी है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वर्लपूल एसी के साथ जो है हेपा फिल्टर देखने को मिलेगा जिसके साथ इम्प्रूव एयर क्वालिटी देखने को मिलता है, जो कि सच में काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर वर्लपूल के साथ जो नया मॉडल जितने भी अवेलेबल है उसमें जो है डुअल फैन कंप्रेसर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, जिसमें आपको जो है इम्प्रूव कूलिंग प्लस एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है 42-46 टेम्परेचर जब रहेगा तब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको जो है फास्टर कूलिंग एंड बढ़िया जो है यहाँ पर कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर वर्लपूल एसी के साथ जो है डुअल फैन कंप्रेसर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है जिसके साथ जो है काफ़ी गर्मी में भी जो एसी है काम करेगा एंड बढ़िया कूलिंग प्रोवाइड करेगा विथ एफिशिएंसी। एंड यहाँ पर सिक्स सेंस कंफर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है जिसके साथ जो एसी है ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है प्लस फैन स्पीड को भी एडजस्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी सही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम है उसे यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है प्लस कंफर्ट को जो है पर इंक्रीज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ एसी कंप्रेसर स्पीड एंड फैन स्पीड को ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन रूम टेम्परेचर। इसके साथ जो आपको बेटर कूलिंग एंड बढ़िया एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। एंड वर्लपूल के साथ जो है 3D कूल टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा जो कि काफी सही तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर 3D कूल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वर्लपूल एसी के साथ, जिसमें बढ़िया एयर सर्कुलेशन देखने को मिलेगा मल्टीपल डायरेक्शन में एंड यहाँ पर बढ़िया कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। रूम का जो हर एक कोना है वहां पर जो है प्रॉपर एयर फ्लो देखने को मिलता है इस टेक्नोलॉजी के साथ। प्लस यहाँ पर टर्बो कूल मोड देखने को मिल जाएगा। इस मोड को एनेबल करने के बाद एसी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा एंड अगर आपको जल्द से रूम का जो टेम्परेचर है अगर उसे फास्ट जो है रिड्यूस करना है तो आप जो है टर्बो कूल मोड को यूज कर सकते हैं। इस मोड को एनेबल करके जो कंप्रेसर एंड जो फैन है मैक्सिमम स्पीड में काम करता है एंड आपको यहाँ पर फास्टर कूलिंग देखने को मिल जाएगा, जो रूम टेम्परेचर है जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा टर्बो कूल मोड को यूज करने के बाद। प्लस वर्लपूल एसी के साथ जो है स्टेबलाइजर फ्री मोड भी देखने को मिल जाएगा जिसके साथ यहाँ पर एसी जो है यहाँ पर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है उसको जो है स्टेबल करके अपने आप ही कूलिंग कर सकता है, जो कि काफ़ी सही है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी मैन्युफैक्चर के एसी हो आपको डेफिनेटली एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर खरीदना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल स्टेबलाइजर के साथ आपको जो है ज़्यादा वाइड रेंज जो है देखने को मिलेगा वोल्टेज के साथ एंड और ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल जो स्टेबलाइजर होता है एसी वगैरह में। तो आपको डेफिनेटली एक्सटर्नल स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए कोई भी मैन्युफैक्चर का एसी हो। यहाँ पर वर्लपूल एसी के साथ जो है ऑटो रिस्टार्ट फीचर्स को ऐड किया गया है, जिसमें अगर पावर कट होता है तो ऑटोमेटिकली जिस भी टेम्परेचर में आपने एसी को जो है पहले
यूज़ कर रहे थे उसी टेम्परेचर में उसी मोड में जो है एसी ऑन होगा। तो यहाँ पर ऑटो रीस्टार्ट का जो फीचर्स है सच में काफ़ी सही है। अगर आपके एरिया में ज़्यादा पावर कट देखने को मिलता है तो इस फीचर के साथ आपको बार बार जो मोड है उसे चेंज नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा जो है टेम्परेचर को चेंज नहीं करना होगा बार बार, क्योंकि ऑटो रीस्टार्ट मोड देखने को मिल जाएगा व्हर्लपूल एसी के साथ। काफ़ी यूजफुल है स्पेशली अगर आपके एरिया में ज़्यादा पावर कट देखने को मिलता है, तो ये जो फीचर है जरूर से यूज़ करना, ऑटोमेटिकली काम करेगा, इसके लिए अलग से कोई बटन को इनेबल नहीं करना होगा। प्लस यहाँ पर व्हर्लपूल एसी के साथ जो है स्मार्ट एसी भी देखने को मिलता है और वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप जो है फ़ोन को ऐसे रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ कर सकते हो, फ़ोन के साथ जो है टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, शेड्यूल कर पाओगे, ऑन ऑफ कर सकते हो, अलग अलग मोड को स्विच कर पाओगे, प्लस एनर्जी यूसेज को भी आप यहाँ पर मॉनिटर कर पाओगे, जो कि काफ़ी सही है। तो स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर भी देखने को मिल जाएगा। एंड व्हर्लपूल एसी के साथ जो है R32 इको फ्रेंडली जो रेफ्रिजरेंट गैस है उसे यूज़ किया जाता है, जो कि बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस एंड जो है इको फ्रेंडली होता है। प्लस यहाँ पर ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर अवेलेबल है व्हर्लपूल एसी के साथ, जिसमें जो इंडोर यूनिट का जो कॉयल है उसमें जो डस्ट वगैरह रहेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, एंड जिसके साथ जो है एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है। प्लस यहाँ पर स्मार्ट डायग्नोस्टिक फीचर को भी ऐड किया गया है व्हर्लपूल एसी के साथ। तो यहाँ पर व्हर्लपूल एसी के साथ जो स्मार्ट डायग्नोस्टिक फीचर अवेलेबल है, जिसमें अगर इसमें कोई भी इशू आए तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है एरर कोड शो कर देगा। अगर इंडोर यूनिट में कोई इशू है, आउटडोर यूनिट में कोई इशू है, कोई सेंसर में कोई इशू है और फैन अगर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो है एरर कोड को शो करेगा। एंड इस एरर कोड को आपको जो है टेक्नीशियन के साथ शेयर करना होगा, उसके हिसाब से जो टेक्नीशियन है एसी को जो है फिक्स करेगा। तो यहाँ पर व्हर्लपूल एसी के साथ स्मार्ट डायग्नोस्टिक का फीचर है, जो कि काफ़ी सही है। प्लस एनर्जी सेविंग मोड और इको मोड भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इको मोड को यूज करके आपको जो है डिसेंट कूलिंग देखने को मिलेगा, बट जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है उसे रिड्यूस किया जाता है, जिसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जरूर से आप जो है इको मोड यूज कर सकते हो, इको मोड के साथ जो आपको काफ़ी बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है रिड्यूस होता है, आपको डिसेंट कूलिंग देखने को मिलता है। बट अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, 42, 44, 46 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप जो है इको मोड की यूज़ मत करना, क्योंकि इको मोड के साथ उतना ज़्यादा गर्मी में जो है आपको सही कूलिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर व्हर्लपूल एसी के साथ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि हेपा फिल्टर देखने को मिलेगा, डुअल फैन कंप्रेसर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यहाँ पर 3D कूल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके साथ साथ यहाँ पर ऑटो रीस्टार्ट एंड जो ऑटो क्लीन का जो ऑप्शन है, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। प्लस यहाँ पर इको मोड भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसबाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।